नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे इंडिया टीवी पर आने वाले हैं। इंडिया टीवी पर रात 8 बजे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू शुरू होगा। यूपी चुनाव के पहले फेज से करीब 12 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह इंटरव्यू आ रहा है। प्रधानमंत्री का यह साक्षात्कार 70 मिनट का होगा, एक घंटे से ज्यादा। रात 8 बजे प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू शुरू होगा। आप इंडिया टीवी ट्यून कर लीजिए और लगातार अब हम इस खबर पर बने हुए हैं। और भूलिएगा मत कि यह इंटरव्यू आ रहा है कल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पहले चरण के मतदान से पहले, तो इसमें जरूर कोई खास मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में हुई उत्तर प्रदेश पर काफी अहम बातें हुई होंगी और एक आखिरी मौका भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो व्यू है वो व्यूअर तक पहुंच वो वोटर तक पहुंचाने के लिए। तो इस इंटरव्यू में क्या क्या है ये इंडिया टीवी आपको अब से थोड़ी देर में बताएगा। इससे क्या हेडलाइन निकल रही है, कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और रात 8 बजे आप प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद खास इंटरव्यू इंडिया टीवी पर देखना मत भूलिएगा। 70 मिनट का इंटरव्यू है जिसमें यूपी को लेकर खास बात की गई है, जिसमें इन चुनावों को लेकर के खास बात हुई है और प्रधानमंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए। आजकल बहुत सारे मुद्दे जो हैं आप देख रहे हैं वो सियासी हवा में तैर रहे हैं, इन सब का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप खुद सुनेंगे। रात 8 बजे इंडिया टीवी ट्यून करें और प्रधानमंत्री का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। 70 मिनट का इंटरव्यू यानी 1 घंटा 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से सवाल जवाब हुए हैं और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के वोटर के लिए क्या संदेश है उनके पास, कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है मतदान। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर सपा गठबंधन का सपा आरएलडी गठबंधन का सबसे ज्यादा असर है, तो जरूर यह सवाल भी उनके सामने रहा होगा कि इस गठबंधन का क्या बीजेपी को नुकसान होगा। आप समझें, कल जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है 58 सीटों पर, उनमें से 2017 में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आप स्ट्राइक रेट देखिए, 58 में से 53 सीटें, लेकिन तब अलग अलग लड़ा जा रहा था, उस वक्त आरएलडी गठबंधन नहीं था। लेकिन इस बार इस चुनाव में क्या होगा, यह गठबंधन का असर कितना होगा, यह एक अहम सवाल है और प्रधानमंत्री भी इस बात की अहमियत को समझते हैं, बीजेपी समझती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी स्टार कैंपेनर्स को उतार दिया लगातार, खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जबरदस्त प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल सभाएं की हैं, वर्चुअल रैली की हैं। मौसम खराब होने की वजह से, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से बड़ी बड़ी रैलियां इस बार कोई नहीं कर पाया, ना ही प्रधानमंत्री कर पाए हैं। और कुछ समीक्षकों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री की जब बड़ी सभाएं नहीं हुई हैं तो क्या उसका कोई नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त में एक वोटर को स्विंग करने की जो ताकत प्रधानमंत्री के भाषण में है वो हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन वो इस बार नहीं हुआ है। तो क्या उसका कोई असर महसूस करेगी बीजेपी और क्या उसी की काट करने के लिए यह इंटरव्यू आज वोटिंग से एक शाम पहले जो है वो हो रहा है और वो आप देखने जा रहे हैं। इस पर विरोधियों का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में सारे मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और मैं आपको एक तस्वीर अब और दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की खबर आई उससे पहले एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने वो सोशल मीडिया पर जारी की थी और ये रही वो तस्वीर। इस तस्वीर के जरिए भी यही संदेश देने की कोशिश थी कि वोटर याद रखे कि केवल योगी नहीं बल्कि मोदी भी साथ हैं, ये वोट मोदी और योगी को ध्यान में रख कर दें। आप देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ का हाथ उठा रखा है और योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि उनकी विजय जो है वो सुनिश्चित है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि 58 सीटों पर वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री का उन पर पूरा पूरा भरोसा है और डबल इंजन की सरकार है। लिखते हैं, पीड़ित शोषित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। और इसके नीचे यह तस्वीर, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे का हाथ उठाए खड़े दिखाई देते हैं। तो यह इस चुनाव में शायद सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि एक तरफ जहां पर जातियों का एक समूह एक गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है जो अखिलेश यादव ने तैयार किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा असर है, कोरोना के काल को याद दिलाने की कोशिश है, किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश है, इन तमाम मुद्दों पर क्या ये एक तस्वीर और अब जो इंटरव्यू आने जा रहा है वो भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल हम सबके सामने है। आपको बता दें,
कि मेहमान जो है वो हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, अगर स्क्रीन पर हम अपने मेहमानों को ले सकें, गौरव भाटिया हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हैं, तारिक अहमद लहरी साहब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। गौरव जी और लहरी साहब स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति की बहुत खास समझ रखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के। पाटी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है भाटिया साहब कि ये आप लोगों ने जो आखिरी बाण था वो वोटिंग से एक रात पहले के लिए बचा कर रखा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। देखिए इसको लोग चुनाव से जोड़कर तो देखेंगे। सौरभ जी, मैं कहूंगा कि हमें भी गर्व है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जो देश को दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे पास कर्तव्य परायण ईमानदार मेहनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी बिल्कुल भी नहीं है सौरभ जी कि उस छात्र की तरह एग्जाम से एक दिन पहले मेहनत करने बैठे और रटे कि उत्तर क्या है, जैसे समाजवादी पार्टी करती है। हम वो पार्टी हैं जो पूरे समर्पण से हर दिन हर माह हर साल पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी समर्पित रहती है जनता की सेवा में। और इसीलिए जब चुनाव आते हैं या चुनाव चले जाते हैं, हम लोग जीतते हैं, आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जनता भी ये जानती है कि ये गिरगिटान की तरह चुनावी रंग नहीं बदल रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमने बात करी जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश कल जो है 58 सीटों पे पोलिंग होगी। सबसे बड़ी बात है यहां मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सौरभ जी, गन्ना किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही थी तो 11,000 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ के गई। हमने वो 11,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया और 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया। सपा ने तुलनात्मक अगर बात करें तो 95,000 करोड़ का भुगतान किया था जी। दूसरी बात, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आप याद करिए किस तरह से कैराना में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और जिलों में हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जाता था कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, और जो दोषी होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो एक धर्म विशेष के थे। अब योगी आदित्यनाथ जी खुद कैराना गए, अमित शाह जी गए, उन लोगों ने बात करी परिवारों से जो पुनः अपने घरों में आ गए। अब सोचिए वो कितनी दुआएं और आशीर्वाद हमें देते होंगे। और तीसरी बात, कानून व्यवस्था और जो दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको, कैसे 65,000 लोग टेंट के नीचे थे ठंड में और ऋतिक रोशन का डांस देखते थे अखिलेश यादव। अब दंगा करने की हिम्मत किसी में नहीं है क्योंकि जो दंगाई है वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर है, जो पलायन कराते हैं नायब हसन उनको टिकट देती है, जो दंगा करवाते हैं उनको टिकट देती है। तो जनता ये देख रही है कि जेल से आजम खान किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, उनको टिकट दिया कि तुम किसानों की जमीन हड़पो, मैं अखिलेश यादव तुम्हारे साथ हूं। और ये बड़े मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। ठीक है गौरव जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस पंचर साइकिल का टायर ना निकाल दे इस बार तो आप देखिएगा। अच्छा, साइकिल का टायर पंक्चर है। अच्छा लहरी साहब, जवाब नहीं, आप पहले तो आपकी बातों का तो उत्तर देंगे ही निकलेगा इस बार लहरी साहब, लेकिन पहले तो ये वो एक तस्वीर जो है आज ऐसा लगा कि आज के लिए बचाकर रखी गई थी, क्योंकि योगी जी मोदी जी की तस्वीर तो कई हफ्ते पहले आई थी, उसी की एक तस्वीर आज बचा करके योगी जी ट्वीट करते हैं, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का ऐलान हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? चुनावी माहौल है, वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो खुद कैंडिडेट है योगी जी, तो इसमें क्या देखना है? दुनिया को मालूम है ये चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनाव के हिसाब से उन लोगों ने फोटो खिंचवाई है, उसमें कौन सी बात है भाई? अगर वो फोटो खिंचाए हैं योगी जी मोदी जी खिंचवाए हैं तो उनका तो चुनाव का माहौल चल रहा है। वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो खुद कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री हैं, और अगर दोनों मिलकर, दोनों एक ही पार्टी के, दोनों मिलकर अगर फोटो खिंचा रहे तो कोई अजूबी बात नहीं है कि बहुत ही अजूबा हो गया, लेकिन शायद जो परिस्थितियां पिछले दिनों में कुछ रही हैं उस हिसाब से तो ये बड़ा अजूबा हुआ कि मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते थे, उनको बर्खास्त करना चाहते थे, उनको निकालना चाहते थे चीफ मिनिस्टर पद से, तो इसलिए आप इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मोदी और योगी एक ही हैं, इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये फोटो दिखाने से कोई फायदा नहीं, सबको मालूम है कि मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी गौरव ने अभी बात कही है गन्ना किसानों के बकाए की, वही मैं खोज रहा था
तो द टोटल अमाउंट गिवन टू द केन फार्मर्स इन द पास्ट फोर इयर्स इज अप्रोक्सीमेटली 1,42,650, बट द रिमेनिंग अमाउंट टिल टुडे इज 84% शुगर केन ड्यू ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मर्स हैव नॉट बीन क्लियर्ड, और करीब ये आ रहा है शुगर डिमांड पेमेंट ऑफ ड्यू वर्थ 14,000 करोड़ रुपया, ये डिमांड अभी भी बाकी है। ये तभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा भी है। कौन सी रिपोर्ट जो है, इन्होंने पूछ लीजिए। गौरव, आई डिडंट स्पीक इन बिटवीन यू व्हेन यू वर स्पीकिंग, यू नो मी वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। रिपोर्ट कहां से है? गो ऑन गूगल यू सर्च, गो ऑन गूगल यू सर्च। नहीं, आई डोंट हैव टू सर्च, यू हैव टू टेल मी द सोर्स। How much payment is due of cane farmers in UP till today? Just do the Google search. I was doing it. मैं उत्तर दे दूंगा सौरभ जी जब कहेंगे। जी अच्छा, आगे आपकी बात कहिए। होगा तो आप दीजिएगा, बात करिएगा, तो आपका टर्म है, बिल्कुल बात करिएगा। दूसरी बात यह है कि फार्मर्स का जो पेमेंट और बाकी है उसका, तभी इन्होंने संकल्प पत्र में भी लिखा है कि अब हम शुगर केन इंडस्ट्री से बकाया के साथ साथ अगर वो बकाया पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उस पर वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, पेनल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, उस हिसाब से देंगे, जो कि बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत बातें हैं। तीसरा, इन्होंने पलायन की बात कही थी, ये वो पलायन भूल गए जब इनके टाइम पे वो पलायन हो रहा था, वहां से एक समुदाय विशेष का पलायन हो रहा था जब इनकी सरकार थी, खूब वहां पे जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ। वहां पलायन का मतलब, पहली बात है गौरव जी, यहाँ लखनऊ कहाँ की बात कर रहे हैं सर? आपने कह दिया इनकी सरकार में वहां पलायन हो रहा था, कहाँ पलायन हो रहा था? उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वो सब। अरे आप आरोप लगा रहे हैं, आप जगह का नाम भी नहीं बताएंगे। इन्होंने तो कहराना मुजफ्फरनगर कह दिया, उसी आरोप का जवाब दे रहा हूँ। जहाँ ये पलायन की बात कर रहे हैं वही की मैं बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ का इन्होंने कहा वही का, मुझे नहीं मालूम है कहाँ का, वो गौरव जी। अरे आप आरोप लगा रहे, फिर कह रहे मुझे नहीं मालूम कहाँ का, ये क्या बात हुई सर? कोई लॉजिकल बात तो कीजिए। मैं आरोप का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आरोप का जवाब एक, अरे उन्होंने एक जगह का नाम लेकर के एक घटना का जिक्र करके किया। आप कोई घटना का जिक्र कीजिए, जगह बताइए कि इनकी सरकार में कहाँ पलायन हुआ। भाई पूरी बात सुनेंगे? मैं तो सुन रहा हूं, आप तो ये कह के बच रहे थे कि मुझे नहीं पता। लेट मी कंप्लीट, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी उसमें। करिए, पलायन अगर गौरव लखनऊ छोड़ के गए हैं तो क्या पलायन कर दिया किसी ने? अरे थोड़ी सीरियस बात कीजिए लेरी साहब, थोड़ी सीरियस बात। सीधा सी बात हो रही है, या मैं देवरिया से यहाँ पे आया हूँ तो क्या मुझे किसी ने, मेरे पूर्वजों को किसी ने मार के भगाया? इसको पलायन नहीं कहते, इसको कहते संभावनाएं तलाश करने के लिए आदमी जाता है। पलायन ऐसे नहीं होता। इस टॉपिक पर बहुत बार बात हो चुकी है, ये एक बिल्कुल फर्जी मनगढ़ंत टॉपिक है जिसपे वहां की जनता इनको कल जवाब देगी, और बहुत अच्छे ढंग से दे रही है, ठीक है। बहुत मजे में जवाब मिल रहा है, इसीलिए सब तिल मिलाए बैठे हुए हैं जी। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हर पार्टी का यशस्वी होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। और कुछ आपको जानना हो तो बताइए, बताऊं? नहीं नहीं सर, मैं कोई इंटरव्यू लेने थोड़ी बैठा हूँ, आपका डिबेट चल रहा है, मुद्दे उठेंगे, आप जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आपने आपने इनकी बातों का जवाब दिया। मैं तो खैर, आप एक सेकंड, आप दो मुद्दे बता, मैंने उसका जवाब। हाँ नहीं ठीक है, ऐसी हो सर, डिबेट तो ऐसी होता है। अब जहां तक रही प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की बात और योगी जी की तस्वीर की बात, जिसको आपने कहा कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण में यूपी के वोटर से ये कहते हैं कि बटन दबाते वक्त याद रखना ये देश का चुनाव है। वो इसे एक राज्य का चुनाव नहीं कहते, वो कहते हैं देश का चुनाव है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या? एक बट फैजान साहब जुड़ गए बीजेपी बसपा से हमारे साथ। फैजान साहब स्वागत है आपका। मैं उत्तर दे देता हूं, ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आखिरी प्रचार बचाकर रखा था, आज मोदी जी का इंटरव्यू आएगा 8 बजे। सौरभ जी, ये जो फोटो आप दिखा रहे स्क्रीन पे, ये मेरे ख्याल से खुद ही इस बात को साबित करता है कि योगी जी पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, लिहाजा देश का प्रधानमंत्री को इस बात को कहना पड़ता है कि ये राज्य का नहीं देश का चुनाव है, ताकि चुनाव वोट करते वक्त लोग मुझे देखें, योगी जी को ना देखें। अच्छा। तो ये साफ साफ करता है कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया, या उनके उनके सीएम कैंडिडेट पे हर किसी ने अविश्वास दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो कल के चुनाव में पहले वोटिंग के दिन ये दिख जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल हटाने के लिए प्रयासरत है। और ये 10 मार्च तक आपको दिखेगा चुनाव में सौरभ भाई कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। जो आक्रोश योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में इन मजदूर गरीब लोगों के साथ दिखाया था, जो त्रैमान ऑक्सीजन को लेकर जनता किस तरह से, सौरभ भाई आप लोगों ने कितना अच्छा कवर किया था कि ऑक्सीजन को लेकर जनता, क्या उत्तर प्रदेश के खुद मंत्री लोग परेशान थे लेकिन उन्हें बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग उस वक्त चरम सीमा पर थी। जी पहली बात,
दूसरी बात, गौरव जी ने अभी कहा गन्ना किसान। सौरभ भाई आप सबको डेटा पता, आपने बहुत अच्छी बात कही, यहां सीरियस बात हो रही है। गौरव भाई अगर इस बात पे जवाब दे दे कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 125 रुपए से गन्ना का रेट 250 रुपए कर दिया गया था, दोगुना किया गया था, लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आय दोगुना कहने की बात कहके इन लोगों ने मात्र 25 रुपए 5 साल में बढ़ाया। दूसरी बात, किसान जो 750 किसान हमारे उस उत्तर प्रदेश के शहीद हुए वो इनको कल जवाब देने वाले हैं। जो लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया गौरव सौरभ भाई, वो कल इनको जवाब मिलने वाला है। लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी की आपसी कला है जिसके वजह से अमित शाह जी को गोरखपुर जाकर नामांकन कराना पड़ा, ये साफ दर्शाता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के भारतीय जनता पार्टी में आप भी वही बात कह रहे हैं जो लहरी साहब कह रहे थे। आपने कहा कि मोदी जी को इंटरव्यू इसलिए देना पड़ रहा है, तस्वीर इसलिए योगी जी को जारी करनी पड़ रही है कि योगी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है जनता उसको भूल जाए और मोदी जी का चेहरा देख करके वोट कर दे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। आप भी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी की रैलियों का प्रभाव चुनावों में बहुत पड़ता है, जो इस बार नहीं हो पाई है। देखिए सौरभ जी, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि इस बार जो कोविड गाइडलाइंस थी उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह है, और शायद उसकी कसर पूरी करने की ये कोशिश है। और उससे पहले जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वो भी बड़ा स्पष्ट दिख रहा था। दो हिस्से थे, एक अपनी स्कीम्स के बारे में बात करना, उसमें बताना कि क्या किया, और दूसरा प्योर पॉलिटिकल कैंपेनर की तरह उन्होंने बात की। और मुझे लगता है कि विशेष करके जो 58 सीटें हैं जिसमें 53 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 2017 और 19, 2012 और 2014 उनके जब मतों का फासला देखेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रांड मोदी क्या है। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़े वोट कैचर हैं। अभी निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के होने से उस ब्रांड में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ जुड़ा है, लेकिन मूल धन क्या है योगी? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, आरोप ये है हर्षवर्धन जी कि योगी जी तो माइनस में ले गए थे, अब प्रधानमंत्री उसको प्लस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि योगी जी माइनस में ले गए थे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि योगी जी मूल पर चढ़ा हुआ ब्याज है। तो अच्छा, मूल मजबूत रहेगा तो उसके साथ ब्याज कुछ अच्छा दे जाता है, बेहतर कर जाता है, मैं इसे ऐसे देखता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, एक बार गौरव जी को लें स्क्रीन पर। अच्छा, लहरी साहब को हंसी आई इस बात पर, लेकिन गौरव जी पहले मेरा नाम लारी है, लहरी नहीं। अच्छा सॉरी सर, सॉरी, लारी साहब हंस रहे हैं इस बात पर क्योंकि हर्षवर्धन जी ने बहुत फेमस थे इसलिए बोल दिया होगा। थोड़ी मजाकिया बातें भी हो गई उसमें, कोई बात नहीं, हर्षवर्धन जी करिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भाटिया साहब क्या कहेंगे इस आरोप पर कि सब कुछ जो है योगी सरकार के काम से ध्यान हटाने के लिए है, जो काम नहीं हुआ उससे, ताकि लोग मोदी जी को याद रखें, तभी मोदी जी कहते हैं कि देश का चुनाव है। सौरभ जी देखिए, एक चर्चा में बसपा के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता मेरे साथ ही रहे हैं, तारिक भाई बैठे हैं, चार बार दोनों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन एक उपलब्धि पे बात नहीं करेंगे। और ये आज की डिबेट नहीं है, ये पिछले 1.5 महीने से बता रहा हूं, अपनी एक उपलब्धि नहीं बताई। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं फर्क क्या है। गुंडा राज खत्म हुआ, राम राज्य की तरफ बढ़े, दंगे नहीं हुए, 27.5 करोड़ वैक्सीन की सुरक्षा कवच दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और इसको बीजेपी का टीका बता रहे थे आधे बबुआ मुख्यमंत्री। फर्क यह है कि गरीबों को उत्तर प्रदेश में 42 लाख घर मिले हैं, 1.67 करोड़ गैस के कनेक्शन मिले हैं, 6 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए आयुष्मान योजना में वो लाभार्थी बने हैं। यह फर्क है। लेकिन इन्होंने एक बात कह दी कि मोदी जी ने योगी जी का हाथ पकड़ा तो अजूबा क्या, चलिए इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने बड़े बड़े अजूबे देखे हैं। इन्होंने अजूबा देखा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिता थे उन्होंने अपने पुत्र को जो प्रदेश अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री बनाया, उस प्रदेश अध्यक्ष ने जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव आधे बबुआ मुख्यमंत्री, अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया, तो यह अजूबा था। दूसरा अजूबा देखिए, चाचा शिवपाल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। अभी कल का उनका वक्तव्य है सौरभ जी, कह रहे हैं मैंने 100 सीटें मांगी थी, फिर 75 करी, फिर 50 करी, फिर 35 करी, लेकिन मुझे ठग लिया, एक ही सीट दी है, एक जसवंत नगर की, बताइए इतना ठग लिया।
अब बसपा पे आते हैं। देखिए बसपा कह रही है इन्होंने काम नहीं किया, मैंने काम गिरा दिए, लेकिन इनकी जो नजर है ना, इनको नफरत का मोतियाबिंद है। सौरभ जी काम क्या होता है बताता हूं मैं आपको। 5 साल आप घर से ना निकले हैं, बंगले में बैठे रहे, अपना खाना पीना खाएं और दलित की बेटी बन जाते हैं। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो सिविल इंजीनियर से मेरा जन्मदिन है 50 लाख की घूस मांगे, वो आत्महत्या कर ले, ये विकास है। आप अपने जन्मदिन में केक काटे और 5 करोड़ की माला पहने और दौलत की बेटी और कहलाते दलित की बेटी है। आप इतना पत्थर खरीदे क्योंकि कमीशन आ रही है और हाथी बना ले, हाथी मोटे हो गए, नागरिक पतले हो गए, ये इनका विकास है जी, ठीक। और अमन मणि त्रिपाठी जिन पे आरोप है कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है बसपा, ये हाल है। और अंत कर रहा हूं एक बात से, एक प्रश्न है, तारिक मेरे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूछिएगा। सपा के मैनिफेस्टो में था कि किसानों को, वो 2012 में मैनिफेस्टो आया कि कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने तो नहीं किया सौरभ जी। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं 36,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया उत्तर प्रदेश के किसानों का, ठीक। ये भी बता दे मैनिफेस्टो में किसने का कर्जा माफ किया। गौरव जी मैंने आपकी बात बहुत ही शालीनता से और बहुत ही इत्मीनान से बैठ के सुनी है, आपने बड़े इल्जाम लगाए हैं और आपने थोड़ा पर्सनल बातें भी कह दी हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैं भी पर्सनल थोड़ा सा बातें कहूंगा। देखिए फेकू ने बड़ी लंबी लंबी कौन सी बातें ये बता के बताइए, जो आपने कौन सी पर्सनल बात कह दी ये बताइएगा, फिर बताइए। बबुआ कर रहे थे, अच्छा आप हमारे अध्यक्ष जी को बबुआ कर रहे थे तो हम भी उसी लैंग्वेज पर थोड़ा सा आएंगे। अच्छा चलिए आप उत्तर दीजिए। जब हाँ जब फेकू ने लंबी लंबी छोड़ी थी, बड़ी लंबी लंबी छोड़ी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर अकाउंट में 15 लाख देंगे, कहां गया 35 रुपए? अच्छा वो आपका उत्तर है कि 36,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया, आपने नहीं। अच्छा बोलने दें गौरव जी, बोलने दें। हाँ बोलिए लारी साहब, बोलिए। देखिए मैंने बीच में नहीं टोका। अच्छा बोलिए, आप भी ना करिए बाद में दूसरा गौरव और मेरा मामला दूसरा वो छोड़ दीजिएगा। देखिए कहा गया 20 रुपए लीटर डीजल, कहा गया 35 रुपए लीटर पेट्रोल, कहा गया 2 करोड़ नौकरियां, तो फेंकने की लिस्ट बड़ी लंबी है, बहुत लंबी लंबी। ऐसे ही यूपी के स्टेट का चुनाव जब हुआ तो इन लोगों ने बड़ा लंबा लंबा फेंका कि हम लोग लैपटॉप के साथ साथ इंटरनेट भी देंगे। इन्होंने इंटरनेट तो छोड़िए, लैपटॉप की भी सुविधा बंद कर दी, और वो लैपटॉप देखिए जो हम लोगों ने वितरण किया था, आज वो लैपटॉप कितना जरूरत हो गया कि छात्र उससे पढ़ाई कर रहे हैं। गौरव जी को शायद अंदाजा नहीं है, हम लोग तो क्लास में पढ़े थे, गौरव जी भी क्लास में पढ़ते थे, हम लोग भी, लेकिन मेरे बच्चे और इनके बच्चे आज ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे थे जिनको लैपटॉप मिला है उनके बारे में सोचिए कि कितना अच्छा मिला। दूसरा इन्होंने कहा कि गुंडा राज, मैं ये पूछना चाहता हूं 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उसके बाद ये MLC बने, तो उन्होंने खुद का शपथ पत्र दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ 307 और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के मुकदमे दिखाए थे कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, तो वो गुंडा नहीं दिखाता, एक तड़ीपार को प्रधान वो बना दिया, गृह मंत्री बना दिया, तब इनको नहीं दिखाई दिया कि गुंडा राज हो रहा है। एक के राज में जब हजारों लोग मार दिए गए और उनके ऊपर इंक्वायरी चली, सब कुछ हुआ, प्रधानमंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी इंक्वायरी खत्म हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकता। कब हुई थी इंक्वायरी बताइए, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर फैक्ट गलत होंगे तो टोका जाएगा प्रधानमंत्री के। चलिए ठीक है, वो इंक्वायरी कब खत्म हुई थी? वो खत्म हो गई ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इल्जाम तो लगाना, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो कहां तक जाएंगे पीछे, कितना इल्जामों में कितना पीछे जाएंगे? जब ये 2012 उठा रहे हैं तो हम भी तो 2014 उठाइए। मैं कहां मना कर रहा हूँ आपको, मैं कहां मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कितना पीछे जाएंगे। अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था, नहीं किया गया था? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आप, अरे भाई लारी साहब ठीक है, ये आपके अध्यक्ष पर उन्होंने कुछ शब्द कहा था, आपने उसका बदला ले लिया, पूरा हो गया आपका बदला? चलो वो तो होना ही होना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इस बहस को कितना पीछे ले जाना चाहते हैं, कितने दंगे याद दिलाना चाहते हैं, किस किस को याद दिलाना चाहते हैं, किस दंगे के बाद कौन मुख्यमंत्री बना, क्या सबके लिए बोलना चाहते हैं? दंगा करने वाले तो खुद आज सत्ता में बैठे, तो दंगा कहां से होगा?
छोड़ के कह दिया। तो देश में सारे देश में सारे दंगे केवल तब हुए जब ये लोग सरकार में आ गए, उसके अलावा कभी कहीं किसी राज्य में कहीं किसी शहर में कोई दंगा नहीं हुआ, कभी इनका दंगा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जब भी सरकार में बैठते हैं दंगा नहीं करवाते हैं। खुद ही अच्छा गौरव भाटिया जवाब दीजिए, कहता नहीं लेकिन बोलिए। धन्यवाद फैजान जी, आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा फेकू, तो मैं इतना ही कहूंगा कि सपा के प्रवक्ता को फेकू शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा फेकू तो अखिलेश यादव है जिसने अपने पिता को ही कुर्सी से उठा के फेंक दिया, ठीक है। दूसरी बात, आपने तड़ीपाड़ कहा, तो मेरा यह मानना है कि आपकी आस्था न्यायालय में होगी। अमित शाह जी डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज ट्रायल नहीं चला, अगर थोड़ा बहुत विधिक ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी बात, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हुई मैं आपको बताता हूं। बलात्कार हुआ जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। महिला पत्रकार ने पूछ लिया कि ये बलात्कार में इंसाफ कब मिलेगा, तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं और पत्रकार महिला से कहते हैं तुम तो ठीक हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। और ये आंकड़े हैं, देखिए तथ्यों पे बात होनी चाहिए। हत्या के मामले जब इनकी सरकार थी सौरभ जी, 2014 एनसीआरबी डेटा 5150, इसमें कमी आ गई और 3779 2020 में, मतलब कमी आई है। जो बाहुबली थे अतीक अहमद, जो अखिलेश यादव के साथ गाड़ी में घूमते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी जब्त हुई है। हत्या के मामलों में 25% कमी आई है, बलात्कार में 34% है, डकैती के 70% है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अब विकास हो रहा है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जनता ने 2017 में आपको हराया जब पंचर साइकिल पे खूनी पंजा आया, उसके बाद भी आप हार गए। और 2019 में ये सब कह रहे थे बुआ और बबुआ साथ आए, और बुआ और बबुआ साथ आए तो भी इनकी 15 सीटें आई और 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। इतिहास रचा गया, वो किस लिए? क्योंकि सोच ईमानदार थी, काम दमदार था, नहीं तो उस गठबंधन की तो कल भी परीक्षा होगी, अभी भी तो एक गठबंधन बना है। लारी साहब को आपकी बातों जाने क्यों खूब हंसी आ रही है, या तो आप लोग कोई सीक्रेटली व्हाट्सएप पे जोक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या तो या लारी साहब बहुत ज्यादा हंसमुख आदमी है। टीवी पे तो इतना पीछे से हाथ पकड़ा, जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बहुत अच्छी लाइन है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। चलें ठीक, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले आज बात हो रही है कौन किस पर हावी है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं फैजान साहब। पिछले चुनाव में इन 58 में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इनका दावा तो इस बार भी वही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर आज हम मतदान के दिन तक पहुंच गए, परसेप्शन यही बना हुआ है कि आप लड़ाई में नहीं है। देखिए सौरभ भाई, हमने पहले कह रखा है हम पोल्स पे यकीन नहीं करते हैं, और मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाह रहा, जब पोल्स पे नहीं करते तो नहीं, 2007 में भी आप देखेंगे हमें पोल्स कितने रिजल्ट दे रहे थे। और मैं सिर्फ मैं भी पोल्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, या हम लोग तो जो बातचीत में पाते हैं वो कह रहा हूँ। आप सौरभ भाई देखिएगा 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो मिली भगत है उनके होश उड़ जाएंगे। दूसरी बात, इनकी मिली भगत पूरा का पोषक दोनों ये पार्टियां अंदर से ही नहीं है, ये बाहर से भी है, टीवी चैनल पे भी है। और गौरव भाटिया साहब जो बार बार भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, इनके साथ मेरे कई डिबेट हो चुके हैं जब ये समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तो ये किसी भी पार्टी में रहते हैं तो उसका डिफेंड किया करते हैं क्योंकि इनकी कोई एक पार्टी कोई एक विचारधारा नहीं है। खैर इनके मिजाज है, नहीं देखिए अब ये पर्सनल हो जाएगी बात, ये तो देखिए कोई ये तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई ये पहले ही नेता है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, ये गलत हो जाएगा फैजान साहब, ऐसी बात ना कहिए। प्रश्न अटैक नहीं करना चाहते, भारतीय जनता नेता अलग चीज होता है, प्रवक्ता एक अलग चीज होता है। सब नेता ही होते हैं, इनके ये नेता ही हैं, इनकी पार्टी ने इनको एक जिम्मेदारी प्रवक्ता की दे रखी है, बस एडिशनल चार्ज है इनके पास एक, और है तो ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही। जी अपना समय नष्ट कर रहे हैं, बातों का जवाब दे दूं, उस वक्त भी बोलता था मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा करते थे मैं तब भी कहता था वो सबसे बड़ी माफिया पार्टी है, तो अगर खून शामिल है समाजवादी पार्टी में
तो उनमें इनका भी योगदान है, क्योंकि उस वक्त वहीं पर रहा करते थे। तो आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी माफिया पार्टी है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, बैंक के चोर पे कह रहा हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा और ये मिले हुए हैं। बिल्कुल पूरा का पोषक है। आपने अभी बात लारी साहब की बात नहीं सुनी कि जब ये सत्ता में रहते हैं तब दंगा नहीं होता है। क्या मतलब हुआ सौरभ भाई? इसका मतलब जब समाजवादी पार्टी रहती है सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं। ये इन्होंने लारी साहब ने खुद कबूल कर लिया कि जब हम सत्ता में आएंगे तब बीजेपी के द्वारा जो है हम मिली भगत से दंगा कराते। बहरहाल ये जनता बखूबी जानती है सौरभ। अभी गौरव भाटिया जी ने इल्जाम लगाया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर, मुझे भी 30 सेकंड दीजिए सौरभ भाई। इन्होंने कहा दौलत की बेटी, आप देखिए दलित के पति इनके दलित बेटी के प्रति इनकी मानसिकता देखिए। जब करोड़ों रुपए का सूट गौरव भाटिया जी प्रधानमंत्री जी पहनते हैं तब एक शब्द नहीं निकलते हैं। जब मूर्तियां आप लोग गुजरात में लगाते हैं तब एक शब्द नहीं निकलते हैं, पर दलितों के महापुरुषों का अगर मूर्तियां लग जाती हैं तो आपको सीने में सांप लौट जाता है। रजान साहब, मैं ये बहस तो कर सकता था आपके पास कि मूर्ति लगाने से क्या हासिल होता है, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति भारत इनकी सरकार लगाए और मायावती जी अपनी सरकार में अपनी मूर्ति लगाए, तो इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहेंगे तो उस पर भी बहस कर लेंगे। बहस कर लूंगा इस पर भी। मैं साफ तौर से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी सारे जमात लगाए, आपने अभी ये नहीं बताया कि आईटी के पेपर जो लीक हुए अभी जी ठीक गोरखपुर से गया। अच्छा चले ठीक। यूपी में वोटिंग से पहले किसके पक्ष में बन रही है हवा? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो बात जरूर होगी गठबंधन को लेकर के सपा आरएलडी को, आरएलडी के बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो किसान आंदोलन में भी शामिल हुए, जिनकी नाराजगी जाहिर हो रही है आरएलडी की तरफ गठबंधन की वजह से, कि गठबंधन की वजह से हम शायद ना वोट दे पाए साइकिल के सिंबल पर। आप ऐसे लोगों से सहमत हैं? देखिए सौरभ जी, मैं अभी जब लगातार किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद लोगों से बात कर रहा था तो अभी पंजाब में एक बात हुई तो एक लाइन उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं इनका जमीन पर कोई आधार नहीं, वो पंजाब के संदर्भ में बोल रहे थे, और जो लोग भी किसान आंदोलन में गए थे वो सब वहीं लौट गए हैं जहां के वो थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष करके जिसको हम कह रहे हैं कि जो जाट लैंड है जहां 30-35 सीटों पर जाट बहुत प्रभावी हैं, या जो ये 58 सीटें हैं जहां मुस्लिम जाट समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां की स्थिति यही है। यानी जो लोग किसान आंदोलन के समय तो गए लेकिन अब जब मतदान का समय आएगा तो वो अपनी पार्टी के साथ जा रहे हैं। एक बात जरूर है कि चूंकि इतने समय में इतनी हाइप क्रिएट हुई, एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, उसकी वजह से जो मुस्लिम जाट समीकरण है वो बड़ा मजबूत दिख रहा था और है भी, लेकिन कैराना, लेकिन रफीक अंसारी, लेकिन जो इमरान मसूद और जो जगह जगह जो छोटे वहां के जो स्थानीय नेता थे उनके बयानों ने स्थानीय स्तर पर वो दूरी फिर से बढ़ा दी है। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो गई होती तो शायद वो मोमेंटम उसी वक्त जमीन पर दिखता, लेकिन अब वो मोमेंटम उस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन असर उसका बहुत ज्यादा है। लारी साहब, जवान देश का ये सवाल उठ रहा है गठबंधन की ताकत पर। देखिए, किसानों को जो आंदोलन चला और कई सौ किसान मारे गए उस आंदोलन में, साल भर आंदोलन चला, उसके बाद जो फाइनल जो शो बीजेपी ने किया वो किसानों को के ऊपर गाड़ी से रौंद कर मार कर जो शो किया उसका अंत यही होगा कि वहां पे जाट नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जाट की नहीं, किसानों में मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, हर कम्युनिटी आता है। तो स्पेशली इस समय जहां चुनाव है वहां के जो किसान हैं वो ज्यादातर जाट हैं, दलित हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो किसानों के साथ जो ट्रेजेडी की, जो इन लोगों ने गाड़ी चढ़ाकर उन लोगों की हत्या की है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वो भूला नहीं है किसान, किसान भूल नहीं पा रहा उसको। आप गलत कह रहे हैं, ये गलत जान रहे हैं। और जो किसान उस दौरान जो चल रहा था इन लोगों का संघर्ष, उस दौरान जो किसान मरे हैं वो भी नहीं भूल पा रहे उनके परिवार के लोग, और उनके परिवार भी उनके गांव के लोग भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो वो तो बढ़ना चाहिए। ये लोग तो कहते हैं कि वहां के लोग मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूल पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रैली में कहते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो है 2013 नहीं भूल सकता। देखिए, अगर ऐसा होता तो ये गली गली घूम के प्रचार ना कर रहे होते, डोर टू डोर बैठ के पंपलेट ना बांट रहे होते खुद। तो ये जान रहे हैं कि इनको नुकसान हो चुका है, उस नुकसान की भरपाई इनको नहीं हो पा रही है। इसका जवाब गौरव जी से मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ये बात आपकी पार्टी की तरफ से हर बार कही जाती है, लारी साहब की पार्टी की तरफ से, कि भाई गृहमंत्री को पर्चे बांटने को मजबूर कर दिया, ये दिखाता है क्या परिस्थिति है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं किसान भूल नहीं पा रहा,
बिल्कुल किसान क्या नहीं भूल पा रहा मैं बताता हूं, आजम खां जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, 2 साल से उनको जमानत नहीं मिली है, उनको टिकट दिया जाता है कि जेल से लड़ो, वो क्यों है पीछे जी? क्योंकि कई 100 किसानों की जमीन हड़पी आजम खां ने, और अखिलेश यादव ने कहा तुम किसानों की जमीन हड़प लो, मैं तो तुम्हें टिकट दूंगा, जेल से लड़ो। उनके बेटा बेल पे है, उसको भी टिकट दे दिया था। और दूसरी बात, आपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की करी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं, कि बड़े पद पे बैठने से कुछ नहीं होता, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। ठीक है गौरव, अगर अमित शाह जी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तो इसको तो सराहा जाना चाहिए। गौरव जी, आज मजबूरी है, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है आपकी बात पूरी ना हो पाई हो, लेकिन मुझे मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा, किसी और दिन इसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन समय की कमी की वजह से शुक्रिया करूंगा आप सब लोगों का। गौरव भाटिया, तारिक अहमद लारी जी, फैजान खान जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।